ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਸਿਸਵਾ ਨਦੀ ਦੇ ਓਵਰਫਲੋ ਹੋਣ ਦੀ ਇੱਕ ਖਬਰ ਚਲਾਈ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਰਾਲੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹਰਕਤ ਚਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਜੇਈ ਦਸ਼ਰਥ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਡਰੇਨੇਜ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਟੀਮ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਹਾਅ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਯਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਸੜਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਵਹਾ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਸੀ अज ये ता मसला जिवें परसों तो तुसी देख रहे हो रोड दे नाल बिल्कुल बन सी जिहड़ा वो बिल्कुल हड़ गया है। ये सारा मसला सारी प्रैस ने सारे पिंड वालियां ने प्रैस का भी धन्नवाद है जिन्होंने पूरा ये मसले नूं चक्किया तो ताकि अज जाके प्रशासन अपनी हरकत च आया। SDM साहब ने कहण दे मुताबिक अज मशीन भी आ रही है ते नाल साडे इत्थे जेई भी पहुँचे हैं पर अज तो पहला कोई सुनवाई नहीं सी। असी यही उम्मीद करते हैं कि यह पिंड वाले भी खड़े इन्हां च भी रोष है कि जल्दी तो जल्दी इसका काम स्टार्ट किया जाए जिन्नियां मंजूरियां लेनियां जो भी लेनियां वो जल्दी लेके लोगों नूं सुख का सह मिले। पूरी पूरी रात उत्थे रोड ते खड़ के जाके कढ रहे हैं कि किते आ बन टुट के अगे पानी पिंड नूं ना आ जाए। जमा तुसी देख लो सड़क ते अद्धा क फुट रह गया सड़क भी ये गिर जानी सी जे अजे तक पिंड वाले ना ये पानी नूं बहाव नूं ना संभाल दे। इस मामले च जेई दशरथ दा कहना है कि उन्हां वल्लों पानी दा बहाव बदल दिता जाएगा जिस दे लई मशीन भी मंगवा ली गई है अते काम शुरू कर दिता गया। जिक्रयोग है कि बीते दिनी सिसवां नदी बरसाती पानी जमा होण करके ओवरफ्लो हो गई सी अते सड़क दा कुछ हिस्सा अपने नाल वहा के लै गई सी जिस नूं लै के हुण प्रशासन अलर्ट ते है। जी मैं ड्रेनेज महकमे तों जेई हां जी, दशरथ मेरा नाम है। तो ये खार पानी तेज़ बहाव होने करके रोड नूं खार लगन लग गई जी सज्जे पासे सारने डाउन स्ट्रीम ते पुल तो ये कल तो ही लगातार वध रही है जी। कल जो ही मतलब स्टार्ट होया पानी उधरों पिछों ज़्यादा आया तो कल तो ये खार लगातार वध रही है। यदि हुण असीं अपने पद्धर ते साडे महकमे दा जिहड़ा स्टाफ है उहदे पद्धर ते असीं थैले थुले ला के एक बार पानी का बहाव थोड़ा जिहा घट किया तो मशीन आ रही है। SDM साहब नाल गल करके तो मशीन MC वल्लों मशीन उन्होंने अरेंज कराई है तो मशीन नाल असीं पिछला पानी जिहड़ा वो पिछे नूं उधर साइड नूं दूजे जिहड़े वे है ब्रिज दे ब्रिज काफ़ी चौड़ा आपां देख सकते हैं सारा पानी इधर ही चलता इस वजह नाल ज़्यादा इधर नूं मार पैंदी है तो हुण पानी जिहड़ा असीं दूजे वे च डाइवर्ट करन दी कोशिश कर रहे हैं। तो बाकी इहदे जिहड़ी खार दी है ये हुण एक बारी जे पानी असीं उधर डाइवर्ट कर दिंदे आ तां इह बंद हो जाएगी पर इहनूं परमानेंट इहदा सल्यूशन जिहड़ा उहदे वास्ते असीं लैटर वगैरह लिखते हैं मंजूरियां वास्ते। जो ही सानूं मंजूरी आउंदी असीं पत्थर दा कम जिहड़ा इत्थे स्टार्ट करा देंगे तो पत्थर नाल इहदी जिहड़ी रिवेटमेंट लग के एक स्टड लग जाएगा जिस नाल दुबारा इहो जिही सिचुएशन दुबारा ना नहीं पैदा होएगी। असर पिंड वाले का कहना भी ये संबंधी असं एक महीना पहला जो शिकायतें अलग अलग विभागों को गई थी पर इन्नी लेट क्यों हो चुके हैं? 5-7 दिन पहला एक लैटर आया सी जी इस तो महीना पहला तो नहीं आप कह सकते पर क्योंकि हुण मेरे इको मैं जेई हाँ डिवी सब डिवीजन से मोहाली का सारा एरिया 5 पोस्टों के अगेंस्ट मैं काम कर रहा हाँ तो स्टाफ की घाट कारण आप कह सकते हैं भी नहीं इन्ना जल्दी एस्टीमेट सबमिट हो सकया तो जिस करके काम जिहड़ा एमरजेंसी सीगा पर स्टार्ट नहीं हो सकया। हालात तो जी इदा है भी खार जी लगातार वध रही है रोड के नेड़े पहुँच गई है पर अजे कोई नुकसान किसी तरह का नहीं होया जानी माली या कोई भी नुकसान की कोई अजे है नहीं तो बचाव हो गया अजे बचाई है तो हूँ पानी असी रोकता है तो हूँ अगे भी नहीं वध रही है खार हूँ सवेर तो अज कोई मिट्टी किसी तरह की नहीं डिगी है तो हूँ मतलब स्टेबल आप कह सकते हैं कंडीशन जगह मिट्टी डिगी है जी उ क्या प्रबंध कर रहे हैं? उत्थे हुण असीं लैटर लिखता है जी तुहानू दस्सिया मंजूरी वास्ते जे मंजूरी जिवें ही सानू मंजूरी मिलदी है असीं उत्थे पत्थर दा कम स्टार्ट करा देंगे जी। पत्थर ला के तुहानू प्रोटेक्ट कर देंगे भी अगे जिहड़ी होर मिट्टी जिहड़ी ना कदे भी दुबारा दिक्कत ना आवे इन फ्यूचर चाहे जिन्ना मर्जी पानी आ जाए। किन्ने दिनां च जिहड़ा कम शुरू हो सकदा है? उम्मीद है भी अज शाम तक जे साडियां मंजूरियां हो जांदियां ते कल नूं असीं कम स्टार्ट करा देंगे। इस ते कोई मशीन भी मंगवाई जा रही है? हाँ जी मशीन MC वल्लों SDM साहब भेज रहे हैं जी। SDM साहब नाल गल हुई सी उन्होंने MC नाल साडे टाई अप करवाता है तो MC वल्लों मशीन सानू दिती जा रही है असी ट्राला जिहड़ा उत्थे लोड कर रहा खानपुर डंपिंग ग्राउंड तो मशीन लोड होके घंटे तक सानू उम्मीद है इत्थे पहुंच जाएगी। सवेरा पंजाब लई कुराली तो अरुण कुमार दी रिपोर्ट। ऑल वर्ल्ड ओपन चैलेंज 17 टाइम गोल्ड मेडलिस्ट मियां रफीक मोहम्मद पंडित मौलवी बेगम तांत्रिक इन्हां चोरा ठग्गा तो सावधान स्पेशलिस्ट वशीकरण सट्टा नंबर लव मैरिज पति पत्नी च अनबन विदेश च पक्का होना कारोबार दा ना चलना सिर्फ 31 घंटिया विच समाधान फ्री 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 मियां रफीक मोहम्मद मोबाइल 84374-9947 84374-9948। देश दुनिया की हर वड्डी खबर के लिए हुणे डाउनलोड करो नंबर 1 न्यूज़ ऐप दैनिक सवेरा टाइम्स।